हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड वेब सी सी। सी सी मीन्स क्रिएटिव चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एमएक्स प्लेयर के हिडन फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। और याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, सबसे पहला फीचर है ऑडियो प्लेयर। तो एमएक्स प्लेयर को आप एज ऑडियो प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐप ओपन करना है, फिर सेटिंग्स में जाके आपको ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑडियो प्लेयर को इनेबल करना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसको इनेबल करने के बाद आपको बैक होम पेज पे आना है। देखिए, यहाँ पे कुछ नए फोल्डर्स आ चुके हैं, इसका मतलब ऑडियो फाइल्स इसमें आ चुकी है। तो आपका जो फेवरेट गाना है आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो इसी तरह आप एमएक्स प्लेयर को एज ऑडियो प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फीचर को डिसेबल करता हूँ। और अगला फीचर है थीम्स। तो रोज़ रोज़ एक ही थीम्स देख के हम बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए एमएक्स प्लेयर में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाके आपको लिस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद थीम को क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उसमें से आपका फेवरेट कलर सिलेक्ट कीजिए। आप चेंजेस देख सकेंगे, यहाँ पे ब्राउन कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। तो नेक्स्ट फीचर है HW प्लस डिकोडर, यानी हार्डवेयर प्लस डिकोडर। इससे आप अगर हाई डेफिनेशन वीडियोस एमएक्स प्लेयर पे प्ले नहीं हो रहे तो आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाके डिकोडर पे क्लिक करना है और यूज़ HW प्लस को इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल करते हो, वीडियो प्ले हो जाएगा। अगर ये वर्क नहीं हो रहा है तो आप अल्टरनेट ऑप्शन पे इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में कैसे स्विच करना है वो बताता हूँ। जैसे आप वीडियो फाइल ओपन करते हो तो ऊपर HW प्लस आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके स्विच कर दीजिए। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत बार कुछ वीडियोस एमएक्स प्लेयर पे प्ले नहीं होते तो उस वक्त आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो में ऑडियो नहीं प्ले हो रहा है तो यूज़ SW ऑडियो डिकोडर को इनेबल कर दीजिए। तो अगला फीचर है डबल टैप टू प्ले और पॉज। मतलब ओल्ड वर्जन में ये फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट था, अगर आप इसको फिर से इनेबल करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाके प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंट्रोल्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पे डबल टैप टू प्ले ऑप्शन दिख जाएगा, उसे इनेबल कर दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है डबल टैप टू जूम, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद ये वर्क होना शुरू हो जाएगा। और एक फीचर है, आपको सेटिंग्स में जाके प्लेयर में जाना है और यहाँ पे स्टाइल को सिलेक्ट करना है और जो बॉर्डर है उसे इनेबल करना है। तो ये सारे चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। देखिए, इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो अनब्रोकन का बॉर्डर आया है, इस टाइटल में जो बॉर्डर आया है वो अभी हमने इनेबल किया है। अगर मैं इसे डबल टैप करता हूँ तो ये पॉज हो रहा है। और एक फीचर है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और प्ले करने के बाद जो रिसेंट फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपने वर्ल्ड वेब सीसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। जल्दी जल्दी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।